अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुदीरी बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान से। जी वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। जी खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत जी, आपकी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हिफाजत फरमाए और सारे फितने हासिलीन से आपकी हिफाजत फरमाए। हजरत जी, मुझे सवाल पूछना था। एक तो मेरा सवाल ये था कि जैसे अक्सर लोग, जैसे मुझे सुनने में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ियारत हुई है या और अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है, तो हज़रत जी बाज़ उलमा से ऐसा सुना है हमने, वो फरमाते हैं कि ये जो है अक्सर ऐसा होता है जो ख्याल हम सोच कर सोते हैं वही ख्याल जो है हमें ख्वाब में नजर आते हैं, कि अक्सरियत ऐसे बहुत मुश्किल होता है कि अल्लाह के नबी की ज़ियारत हो जाए या और अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाए। क्योंकि मुझे भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है दो बार, दो तीन बार ज़ियारत हुई है, और उन्होंने दो बार जो है रेगुलर 2 दिन हुई है, और वो फरमाते थे मुझसे कि तुम मेरे साथ चलो और हमें मतलब तबलीग करनी है, और मैं मतलब शर्म से जो मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ। तो जी इसके मुतालिक फरमाइए, क्या मतलब जो हम ख्याल सोचते हैं वही नजर आता है या फिर जो ज़ियारत होती है हकीकी ज़ियारत होती है? अच्छा माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल है। और ख्वाब हज़रत वाला से इसकी तफसील पूछते हैं। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुनीरी आप इंडिया से कॉल कर रहे हैं, आपने मोहब्बत में अपने नाम के साथ मुनीरी लक़्ब लगा दिया अपने पीर व मुर्शिद के नाम से। अल्लाह तबारक व तआला आपको वाकई मुनीर बना दे, कुरान और सुन्नत के अनवारात से आपके सीने को मुनव्वर करे और मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल का नूर आपके कल्ब को अता फरमाए। और बाकी आपने दुआ दी कि नज़र बस से बचाए, हासदों के हसद से महफूज हो और हिफाजत फरमाए। ये दुआ मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हासदों का हसद जो है वह इंसान को नुकसान पहुँचाता है, और इसी तरीके से हिफाजत इंसान को चाहिए होती है, नज़र बस से बचना मतलूब होता है। तो ये दुआएँ जो ख़ास तौर पर मुझे अपने लिए बहुत ही पसंद और अच्छी लगती हैं, अल्लाह आप हज़रात की इस दुआ को मेरे हक़ में कबूल फरमाए। और बाकी जो आपने सवाल किया कि ख्यालात में जो होता है वही ख्वाब में आ जाता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ख्वाब में आए और उसके अंदर आपको शऊर ने बताया या आपको किसी भी तरीके से पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि मन रानी फ़कद रानी, जिसने मुझे देखा ख्वाब में उसे मुझे देखा, फ़ैन शैतान अला या तमसलुबी, शैतान मेरी इस सूरत में मुतमसल नहीं हो सकता। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात कहना दुरुस्त नहीं है कि जो ख्याल आपने किया वही आपको ख्वाब में आ गया। हाँ वैसे इसमें शक नहीं कि एक किस्म उन ख्वाबों की भी है, एक रहमानी ख्वाब होते हैं जो अल्लाह तबारक व ताला की एक लुत्फ व इनायत से आलम गैब का पर्दा उठा दिया जाता तो अल्लाह दिखाते हैं। एक जो है वो शैतानी ख्वाब होते हैं कि शैतानी तसरुफ होता है, शैतान उसके अंदर तसरुफ करके मुख्तलिफ अशकाल और सूरतों में सामने आ जाता है। और तीसरा जो है अज़गास व आलाम होते हैं कि दिन भर के जो ख्याल है वही ख्वाब में देख लिए। अब भूखा आदमी सोया, ख्वाब में रोटी खा रहा है, खाना खा रहा है, तो उसके भूख की जो एक जो इश्तिया थी, शौक था, वो ख्वाब के अंदर उसे पूरा किया। तो ये अज़गास व आलाम दिन भर के ख्याल, इनकी कोई हकीकत नहीं होती। तो गोया कि वह रहमानी ख्वाब हैं कि जिनकी बाकायदा ताबीर होगी, उसका कोई ना कोई मतलब सामने आएगा। बाकी शैतानी तसरुफ है तो औज़ु बिल्लाह पढ़ के थूक दिया जाए, जैसे अहादीस तय्यबा के अंदर इसकी हिदायत आती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो ख्वाब आए उसकी सदाकत के अंदर कोई शक व शुबा नहीं करना चाहिए, ना किसी मोमिन मुसलमान पर बदगुमानी करनी चाहिए अजी आपने ऐसे खुद ही घड़ लिया होगा, खुद ही बना लिया होगा, इसलिए कि यह कह कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है गोया के झूठ बांध रहे हैं, इसलिए ऐसी बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। हाँ वो अलग बात है कि उलमा इकराम में इस किस्म के इख्तलाफ पाया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपना असली हुलिया है उसी हुलिये के अंदर अगर नजर आए तो बाज़ उलमा फरमाते हैं फिर तुम्हारा ख्वाब सच्चा है। अगर उस हुलिये में आपने नहीं देखा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुलिया अहदीस में आता है, किसी और हुलिये में आपने देखा है, तो फिर आपका ख्वाब जो सच्चा ख्वाब नहीं है, ये उलमा कहते हैं। लेकिन ये बात उस वक्त तक थी कि जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाले मौजूद थे, यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जब तक मौजूद थे, आपको देखने वाले मौजूद थे, उस वक़्त तो ये शर्त लगाई जाती थी कि हुलिया उनका वही ख्वाब में नज़र आया हो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था हदीस के मुताबिक, तो उसके मुताबिक ताबीर दी जाती थी। अब उससे हुलिया हटके होता था, कहा कि नहीं भाई ये ख्वाब आपका जो है वो कोई तसरुफ हो गया, आपकी तबीयत का कोई गलबा है,
یہ کہہ دیا. لیکن اب آج اگر کوئی ایسا خواب آئے, کیونکہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے موجود نہیں ہیں, تو مبشرات کے ذریعے سے ہی گویا کہ یہ خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کرے گا. اور خود حدیث طیبہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نبوت کے 40 حصے ہیں, جن میں سے 45 حصے ختم نبوت کی وجہ سے ختم کر دیے گئے ہیں, لیکن ایک حصہ جو ہے وہ مبشرات کا یعنی سچے خوابوں کا, وہ اب قیامت تک باقی رہے گا. لہٰذا اس کے تحت جو ہے ایمان والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور مختلف ہدایات فرماتے ہیں. تو اسی طریقے سے آج اگر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی حلیے میں دیکھا ہو, تو لہٰذا کہا جائے گا کہ نبی کا خواب ہے, اب اس کی کوئی تعبیر اور کوئی ہدایت ہوگی, اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. اب باقی رہا آپ نے جو خواب دیکھا, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ فرما رہے ہیں کہ چلیے تبلیغ کے لیے, اس کے اندر ایک تو دعوت تبلیغ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے, دوسرا خود آپ پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے اور آپ کو دعوت تبلیغ کے کام کے لیے لے کے چلنا چاہتے ہیں. آپ سر جھکا کے خاموش کھڑے ہیں اور کوئی جواب نہیں اگر دے رہے ہیں, آپ کو جواب دینا چاہیے, آپ کے اس لیے مستعد ہو جانا چاہیے, اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعوت تبلیغ کے کام کے لیے قبولیت کی دعا کریں, مانگے اور صلاۃ و سلام زیادہ زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں, تاکہ آپ کے دعوت تبلیغ کے کام کی قبولیت جب آسمانوں پہ ہوگی تو زمین پہ یہ کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. ماشاءاللہ.